वेलकम टू माय चैनल ट्रू मेडिकल। आज के वीडियो में हम जानेंगे फीवर को कम करने वाली टैबलेट के बारे में, कौन सी ऐसी टैबलेट है जो फीवर को कम करती है। और गाइस, आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस तरह के फीवर में कौन सी टैबलेट को दिया जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया है, या डेंगू फीवर, मलेरिया, या फिर वायरल फीवर, या फिर बदन दर्द की वजह से फीवर आ गया है, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ गया है, तो इस तरह से कौन सी कंडीशन में कौन सी टैबलेट को दिया जाएगा, इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो आपने इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कालपोल टैबलेट के बारे में। कालपोल टैबलेट का आपको भी पता होगा, ये एक OTC टैबलेट है जो आपको सभी जगह इजीली मिल जाएगी। और ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसका MRP भी ओनली 15 रुपये ही होता है। बहुत सस्ती टैबलेट है, आसानी से आप इसको कोई भी बाय कर सकता है। और इसमें पैरासीटामोल नाम का एक साल्ट होता है। कालपोल टैबलेट को फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल जो फीवर होता है वो 98.6 होता है। अगर इससे ऊपर हो जाता है, लाइक 99, 100, 101, 102, इस तरह से अगर फीवर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कालपोल टैबलेट को यूज़ किया जाता है। किसी पेशेंट को वायरल फीवर है, या डेंगू फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, इस तरह से अगर फीवर हो जाता है, तो फीवर को कम करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और गाइस, थोड़े बहुत पेन को भी ये टैबलेट कम कर देती है, लाइक हेडेक, माइग्रेन, टूथ एच, पीरियड पेन, इस तरह के दर्द में भी इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, दर्द में ये टैबलेट बहुत कम काम करती है। मेन इसका जो काम होता है वो फीवर को कम करने के लिए होता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, डोज पेशेंट के वेट के हिसाब से दी जाती है। और पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो 15 mg पर kg पर डोज के रूप में होती है। अब जितना भी पेशेंट का वेट है उसके हिसाब से ही ये दवाई दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी पेशेंट का 40 किलो वेट है, तो 15 × 40 बराबर 600 mg पेशेंट को 600 mg दवाई दे सकते हैं। और आप पैरासीटामोल को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार SOS के रूप में दे सकते हैं। अब हम जान लेते हैं डोलो टैबलेट के बारे में। डोलो टैबलेट का भी आपने नाम ज़रूर सुना होगा। ये भी बहुत पॉपुलर टैबलेट है, जो आपको सभी मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, हॉस्पिटल सभी जगह देखने को मिल जाएगी। और डोलो टैबलेट माइक्रोलैक्स कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। 15 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसका MRP 33 रुपये होता है। और इसमें आपको पैरासीटामोल 650 mg में देखने को मिल जाएगा। कालपोल टैबलेट में 500 mg में पैरासीटामोल होता है, और डोलो टैबलेट में 650 mg में पैरासीटामोल होता है। बाकी डोलो आपको 500 mg की भी मिल जाएगी। और गाइज, इसका काम भी बिल्कुल सेम है, ये भी फीवर को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। वही वायरल फीवर, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इस तरह के फीवर को रिड्यूस करने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। बाकी जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो सिर्फ mg के ऊपर ही है। वो टैबलेट 500 mg में और ये 650 mg में है। इससे ज़्यादा इन दोनों टैबलेट में कोई फ़र्क नहीं है। इसकी डोज की बात करें तो डोज भी बिल्कुल सेम रहेगी, 15 mg के हिसाब से दे सकते हैं। अगर कोई 30-35 किलो का पेशेंट है तो उसे आप कालपोल टैबलेट कैलकुलेट करके दे सकते हैं। और अगर कोई 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, इतना अगर किसी पेशेंट का वेट है, फिर आप 650 mg वाली टैबलेट डोलो दे सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कॉम्बीफ्लाम टैबलेट के बारे में। कॉम्बीफ्लाम भी एक OTC टैबलेट है, जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी। और कॉम्बीफ्लाम टैबलेट सनोफी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। 20 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसका MRP 46 रुपये होता है। और इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन इसमें 400 mg में होता है और पैरासीटामोल 325 mg में होता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो कॉम्बीफ्लाम टैबलेट को पेन और फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बदन में दर्द होता है, जिसे बैक पेन बोलते हैं, या गले में दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में कॉम्बीफ्लाम टैबलेट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बदन दर्द की वजह से पेशेंट को फीवर आ गया है, या गले में इन्फेक्शन की वजह से, गले में दुखन की वजह से पेशेंट को फीवर आ गया है, या फिर चोट लगने से, अकड़ाहट की वजह से फीवर आ गया है, तो इस तरह के फीवर को कम करने के लिए कॉम्बीफ्लाम टैबलेट को यूज़ किया जाता है। यानी दर्द को कम करने के लिए और दर्द की वजह से अगर पेशेंट को फीवर आ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉम्बीफ्लाम टैबलेट को यूज़ किया जाता है। देखिए गाइज, ध्यान से समझ लीजिए, अगर अकड़ाहट की वजह से, पेन की वजह से, चोट की वजह से पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो उसमें कॉम्बीफ्लाम टैबलेट को दिया जाएगा। और अगर पेशेंट को वायरल फीवर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, मलेरिया,
तो उसमें आप डोलो या कालपोल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे पैरासीटामोल कहाँ यूज़ किया जाता है और आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल वाला कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, इसमें भी आपको पैरासीटामोल मिल जाएगा, इसलिए इसे भी आप 15 mg के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।